सो हेलो दोस्तों, कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, ऐसे अच्छे रहना। तो एक और नई ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। अभी मेरे हाथ पे है ये फावड़ा। अभी हम जा रहे हैं प्लांटेशन की तरफ। हमारे सर लोग और जो प्लांटेशन के रख रखाव वाले हैं वो भी जा चुके हैं प्लांटेशन में। मैं अभी जा रहा हूँ। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि हमारे प्लांटेशन कैसे होते हैं। लगभग हमारे पास 4 या 5 प्लांटेशन है, 5 प्लांटेशन है हमारे पास। लेकिन आज हम एक ही प्लांटेशन में जाएंगे और वो दिखाऊंगा मैं कैसे पौधे हो रखे वहाँ पे और कैसे हैं प्लांटेशन। और अभी हम जा रहे हैं जंगलों के बीचों बीच। परसों मैंने आपको मुनारे दिखाए थे, अब ये मुनारे के बाद मैं आपको दिखाने वाला हूँ प्लांटेशन। तो जो प्लांटेशन है हमने अपने एरिया में बनाए हैं, मुनारों के ऊपर होंगे ये प्लांटेशन हमारे। साउंड सुन रहे हो आप पक्षियों की? कितनी प्यारी आवाज़ आ रही है। मॉर्निंग में काफ़ी अच्छा वॉइस आता है, मतलब काफ़ी अच्छा फील आता है जंगलों के बीच में। और जो ये आप वॉल बाउंड्री देख रहे हो, ये है हमारे प्लांटेशन की बाउंड्री। और यहाँ से नीचे गांव है और यहाँ ऊपर है प्लांटेशन, वनीकरण। चलिए, प्लांटेशन जाने से पहले मैं आपको प्लांटेशन की कुछ खूबियाँ बता देता हूँ। प्लांटेशन में हमने नए पौधे लगाए हैं, न्यू जर्मिनेशन, और उन्हें रख रखाव किया जाता है। और जो जो पुराने पेड़ हैं उनके रख रखाव हो जाता है और उन पर कोई छिड़खानी नहीं होती है, इस वजह से वो पेड़ अच्छे बढ़ते हैं और न्यू जर्मिनेशन भी हो जाता है। कुछ हम नहीं लगाते हैं लेकिन कुछ नेचुरली न्यू जर्मिनेशन हो जाते हैं। प्लांटेशन बनाने के फ़ायदे ये हैं। और बहुत सारे फायदे हैं वैसे प्लांटेशन के। तो काफी ज्यादा पेड़ों की सफाई हो चुकी है, अब कुछ और करने हैं हमने। ये है मोरू, काफी अच्छा। कि न्यू जर्मिनेशन भी हो रहे हैं तो ये थुनेर अपने आप हुआ है। थुनेर काफी औषधीय पौधा माना जाता है। और ये है जिरूण। हमें भी ये काम करना पड़ता है कभी कभी। ये तो बहुत सौभाग्य की बात है कि प्रकृति को सजोए रखने का जिम्मा आपके पास है। यहाँ देख सकते कितना अच्छा पैच बना हुआ है पूरा देवदार का। तो ये है हमारे प्लांटेशन का बोर्ड। विष्णुगार्ता वन कैट प्लांट वृक्षारोपण पांतोली। तो अभी अभी यहां से ऊपर एक घुरड़ गया जो कि मैंने देखा, लेकिन वीडियो में शूट नहीं कर पाया घुरड़ को, इसलिए पेड़ों का होना बहुत जरूरी है। देख सकते हो आप
जंगली जानवर भी अपनी सेफ्टी के लिए आते हैं और कुछ खाने के लिए भी आ जाते हैं पेड़ों घनघोर पेड़ के बीच में। सो वेल गाइस, काफ़ी अच्छा फील हो रहा है मुझे प्लांटेशन में वर्क करके। आज वैसे हम प्लांटेशन में आते रहते हैं, आज मैंने आपको कुछ पौधे दिखाए, ऐसे ही हम डेली आते रहते हैं, प्लांटेशनों का ख्याल भी रखते हैं। नीचे के लोग तो फिर शोर शोशी से परेशान है हमारे यहाँ ये। चलो मौसम ठीक हो गया, लेकिन वही ना। सो वेल गाइज, अब वीडियो को एंड करते हैं। आज का ब्लॉग कैसे लगा ये बताना, और आज हमने आपको दिखाया पूरा प्लांटेशन, और अब वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।